अवेयरनेस को लेकर चल रहे अभियान में सोशल मीडिया दानवीरों की बाढ़ आ गई है। जो देखो वही खुद को महादानी दिखाने में लगा है, जिसमें कुछ असली तो कुछ नकली भी हैं। ऐसे में नकली दानवीरों के लिए ये खबर ना हजम होने वाली है। जी हाँ, डीएम सुल्तानपुर सी इंदुमती ने एक फर्जी दानवीर को जेल पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। दरअसल जयसिंहपुर इलाके के एक शख्स हैं रजनीश यादव। रजनीश का 1 लाख रुपए का चेक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रजनीश ने 1 लाख रुपए का चेक डीएम सुल्तानपुर के नाम काटा है। मामला डीएम से जुड़ा था तो दानवीर रजनीश की खबर डीएम तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ वो आप खुद डीएमसी इंदुमती से सुन लीजिए। कोई इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन पे भी कुछ लोग इतना मतलब विषम काम करते हैं कि हमारे नाम से डीएम जिला अधिकारी के कार्यालय के नाम से एक व्यक्ति है रजनीश यादव करके, अब रिसेंटली सोशल मीडिया में वो वायरल हो रहा था, तो तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार को जांच पड़ताल करने के लिए बताया गया है और उनके माध्यम से एसपी साहब को तहरीर भी एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर भी दे दिया गया है। क्योंकि ये डोनेशन के रूप से अगर आपसे कोई भी पैसे मांग रहे हैं कृपया मत दीजिए। अगर आपको डोनेट करना है तो आप सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के रिलीफ फंड पे आप डोनेट कर सकते हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी के रिलीफ फंड में भी आप डोनेट कर सकते हैं, या यहाँ हमारे पास आके डीएम रिलीफ फंड भी होता है तो इसमें डोनेट कर सकते हैं। किसी के कहने से आप उनके हाथ में पैसे मत दीजिए, और क्योंकि ये तो झूठा है और इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो देख लिया आपने कैसे जोर का झटका जोर से लगा है। हमारी भी सलाह है कि अगर आपको कोरोना आपदा पर दान करना है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खाते में कीजिए। दानवीरता का फर्जी काम तो कतई ना कीजिए, वरना तगड़ा करंट लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।